हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विच एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं दोनों के, और आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन इसको बता दूंगा। तो पहले आता है इन्फोर्सिबिलिटी। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब वो इलीगल है, मतलब वॉइड है, वो वॉइड एब इनिशियो है, जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है। अ वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो इधर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो होता है जो इधर पार्टी, मतलब कोई एक पार्टी कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पर वो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ। सेकेंड पॉइंट आते हैं, अ वॉइड एग्रीमेंट इज एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड एब इनिशियो का मतलब आता है ये तो लीगल है, मैक्सिम है, इसका मतलब ये है। एब इनिशियो का मतलब ये है कि एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ये वॉइड एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट कभी था ही नहीं, शुरुआत से वॉइड है, मतलब इलीगल है। एंड इट्स डिफेक्ट्स का जो डिफेक्ट्स है ये इसको हटाया नहीं जा सकता। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट्स नॉट वॉइड एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड। फिर वॉइड एग्रीमेंट में हम लोग आते हैं, अ थर्ड पार्टी हु बायज गुड्स, एट कोई थर्ड पार्टी आता है जो गुड्स खरीदता है इन गुड फेथ में आके, मतलब गुड इंटेंशन में आके खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन, डज नॉट एक्वायर एनी राइट। मतलब कि कोई एक तो थर्ड पार्टी है, मतलब इन टू पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट में जा रहे हैं, बट दो पार्टी आके, मतलब थर्ड पार्टी आके गुड्स खरीद रहा है फॉर कंसिडरेशन, डज नॉट एक्वायर एनी राइट, उसके पास कोई राइट नहीं है। और इन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अ थर्ड पार्टी हु बायज गुड्स इन अ गुड फेथ, अगर मान लीजिए आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी गुड फेथ में अगर कोई थर्ड पार्टी आके गुड्स खरीद रहा है फॉर कंसिडरेशन, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्वायर करेगा राइट्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रिजेक्ट होने से पहले उसको राइट मिल सकता है, पर वॉइड एग्रीमेंट में नहीं मिल सकता क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है। फिर हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट, इन केस ऑफ कंपेंसेशन। इन अ वॉइड एग्रीमेंट द पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फॉर लॉस अराइजिंग ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। अगर जो एग्रीमेंट जो हुआ है, अगर वो मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई एक एग्रीमेंट हुआ है, मान लीजिए स्मगलिंग का हुआ, स्मगलिंग ऑफ गन्स ड्रग्स, अगर वो किसी वाई ने परफॉर्म अगर नहीं किया, उस एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस नहीं किया, तब वो चीज़ वॉइड एग्रीमेंट होगा, तो कोई कॉम्पेंसेशन उसको नहीं मिलेगा, उस एक्स को जो सफ़र किया लॉस, जो पार्टी सफ़र किया लॉस, उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा लॉस का। पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर लॉस होता भी है, परफॉर्मेंस अगर नहीं किया है, तब भी उसको कंपेंसेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब हम आते हैं लैप्स ऑफ टाइम में, अ कोल इट कैन नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। एट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम नहीं होगा कभी। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इट मे बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट रिजेक्ट इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब ये आता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर जो सफरिंग पार्टी है अगर वो रिजेक्ट नहीं कर दे विद इन अ रीजनेबल टाइम। और जो वॉइड एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होता है ड्यू टू लैक ऑफ एनी एसेंशियल्स, कोई भी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल जो है, मतलब ये जो वॉइड एग्रीमेंट से इट इज वॉइड ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
एक्सेप्ट फॉर फ्री कंसेंट. अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री. इसमें पार्टी का जो कंसेंट है फ्री नहीं है. तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया. अगर आपको डिफरेंस आपको नोट डाउन करना है, आप डिफरेंस नोट डाउन कर लो. एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके आप समझ के नोट डाउन कर सकते हो आप. ठीक है, आज के लिए इतना ही. और ये आप ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. और अगर कोई डाउट आता है, कोई डिफरेंसेस समझने में परेशानी हो रही है, तब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो. और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिले. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.